तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सिक्किम। वहाँ पे एक सर गुजरा है हमारे कस्टमर है, उनका 502C सर्विस करना है। तो हमारी ट्रिप का शुरुआत हो चुका है। आप मेरे पीछे ये दोनों बैग देख सकते हैं, ये एक में स्पेयर पार्ट है, एक में टूल्स है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। बस स्टैंड आ चुका हूँ, ये रहा समीर ट्रेवल्स मेरा बस, और 6:30 बजे मेरा बस स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। नाम जी पहुंच गया हूं, अभी मैं जा रहा हूं नाश्ता वास्ता करने, फिर यहीं से कैब हमको मिलेगा। तो चलिए खाना खाते हैं। ये रहा, यहां पे सब लगा हुआ है ट्रांसपोर्ट का, यहीं से निकलता है नामची के लिए। और यहां पे ये सिक्किम गवर्नमेंट का अपना कैंटीन है, यहां पे आपको खाना अच्छा मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का। This society is really trying me. Maloina. Lately opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work. नामची पहुंचने में कम से कम 2 घंटा और लगने वाला है। सुबह 9 बजे मैं स्टार्ट किया था, बैठा था इस पे, ये कैब बोलते हैं यहाँ पे। तो अभी शायद 12 बज रहा है, अभी 1 घंटा और लगने वाला है, 1-2 घंटा और लगने वाला है। मौसम तो ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। सर के घर पे पहुंच गया हूँ, अभी जा रहा हूँ होटल, वहाँ पे फ्रेश व्रेश होके फिर आता हूँ तो सर्विस करता हूँ। यार व्यू देख सकते हैं, और यहाँ थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, 19 से ज़्यादा है। और हमारा बाइक रहा 502C, यहाँ पे लगा हुआ है वो रहा। सर पास आ गए हैं, बाइक में एक्सेसरीज की कमी नहीं है, बहुत कुछ लगा चुके हैं सर। सर बाइक में एक्सेसरीज तो फुल अपलोडेड है। देखिए नाम ये मोटर फ्यूजल का डाला है कि ऑरिजिनल वाला तो नहीं मिला, उसका बोला तो ये ठीक है, ठीक हम डाल दिया ये। ठीक है सर, बस फ्यूल टैंक से इसका आगे रहना चाहिए, ठीक है। दूर देश में प्लेन में अगर आपका आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा तो बहुत दूर है ना वो। तो जी सर, तो ये चक्कर से हम अभी तक किया नहीं। तो हमारा सरपू का फर्स्ट टर्निंग यही है, तो वीडियो में भी डाला गया है, आपने देखा हमारा। थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके चलते हैं सर्विस पे, और व्यू दिखाता हूँ। मैं सर्विस के लिए सरपास आ चुका हूँ, हमारी बाइक पीछे है, इसकी सर्विस करनी है। और ठंड शाम जैसे जैसे हो रहा है, यहाँ पे ठंड बढ़ता जा रहा है, तो जैकेट वैकेट पहन के मैं भी रेडी हूँ। ये इसको करने में 1.5-2 घंटा लगेगा, तो चलिए सर्विस करते हैं। बाइक का पैडलॉक स्टैंड लग चुका है, अब इसका सबसे पहले ऑयल ड्रेन करेंगे,
फिर ऑयल डेंट करने के बाद इसका एयर फिल्टर क्लीन होगा, स्पार्क प्लग क्लीन होगा, फिर लास्ट में दोनों डिस्क पैड होगा। चैन सर का क्लीन था तो बस मैं लूप करूँगा और एक बार राइड करके चेक कर लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सर्विस। ऑयल डेंट हो चुका है, इंजन ऑयल फिल्टर इसका चेंज करने का टाइम आ गया है और ये इसका इंजन ऑयल डेंट बोल्ट है, ये मैं फिक्स करता हूँ, फिर इसके बाद इसका इंजन ऑयल चेंज करता हूँ। हमारे सर हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मेंशन कर दूंगा बायो में, प्लीज सब्सक्राइब। बाइक का इंजन ऑयल मैंने चेंज कर दिया है, ऑयल फिल्टर भी चेंज हो गया है, अब फ्यूल टैंक इसका रिमूव करता हूँ, फिर उसके बाद स्पार्क प्लग चेक करूँगा मैं, और चैन लूप चैन क्लीन तो करना नहीं है, तो चलिए बस ये बचा है और राइड करके चेक करना है। और वेदर भी सही हो रखा है, सर्विस करने में मजा आ रहा है यहाँ पे। ठंड धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ता जा रहा है। अब फ्यूल टैंक रिमूव कर रहे हैं, सब कुछ रिमूव हो चुका है वायर वायर। फ्यूल टैंक रिमूव हो गया है, अब एयर फिल्टर इसका खोलेंगे और पहले हमको एयर फिल्टर बॉक्स ही यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि स्पार्क प्लग इसके नीचे है। तो चलिए एयर फिल्टर बॉक्स निकालते हैं। बाइक हमारी हो चुकी है पूरी तरीके से कंप्लीट, थोड़ा रात हो गया है, इसमें काम कुछ ज़्यादा था। सर कैसा लग रहा है सर्विस होके? थैंक यू सो मच, बहुत खुश हूँ मैं। आप लोग सर्विस एक बार आए, इतना रात हो चुका है, इतना पटना से आया, बहुत थका हुआ है, फिर भी आपने कर दिया है, थैंक यू सो मच। तब तक हम रहेंगे, हमारा बाइक रहेगा, आते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में ओके।